गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्कूल। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। आज हम पार्ट एक, भाषा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज, उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा का तात्पर्य यह है कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, अथवा जिस माध्यम के प्रयोग से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, मतलब हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, जो कोई हम संकेत कर रहे हैं, वो सब क्या होती है? भाषा होती है। तो भाषा क्या है? एक प्रकार का एक दूसरे की बातों को समझाना और समझना ही क्या है? भाषा है। भाषा के तीन रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता देती हूँ। मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। सबसे पहला मौखिक रूप कौन सा होता है? मौखिक रूप होता है जो मुख्य रूप से, जो मतलब बोलकर अपनी बातों को अपन दूसरों तक पहुँचाते हैं, मतलब व्यक्त करते हैं किसी के सामने अपन बोलकर, वो होती है मौखिक भाषा। लिखित भाषा होती है जो हम कुछ भी लिख कर अपनी बात को समझाते हैं, पढ़कर, लिख दिया आपने, फिर उसको पढ़कर समझते, तो वो क्या हुई? लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा होती है किसी भी चीज़ की तरफ, किसी भी वस्तु की तरफ इशारा करके बताना, या अपनी बात को संकेत द्वारा, इशारों की तरह बताना ही सांकेतिक भाषा होती है। तो ये मैंने आपको एक मुख्य रूप से बताया कि भाषा क्या होती है। अब अपन इस किताब में पढ़ते हैं। पल्लवी के मोहल्ले में मदारी खेल दिखाने आया। मदारी ने पल्लवी से पूछा, आपको कौन सा खेल देखना है? अब इसमें देखो, ये बता रहा है कि पल्लवी है, उसके मोहल्ले में एक मदारी खेल दिखाना है। तो मदारी ने क्या करा, पल्लवी से पूछा, आपको कौन सा खेल देखना पसंद है? तो ये मुख्य मतलब बोलकर पूछ रहा है, वो मदारी क्या कर रहा है, बोलकर पूछ रहा है किससे, पल्लवी से। तो ये एक तरीके क्या हो जाएगी, मौखिक भाषा हो जाएगी। तो पल्लवी ने मतलब मदारी ने कुछ बोला, तो पल्लवी ने उसे सुनकर क्या दिया, उत्तर दिया बंदर का, कि भाई मुझे बंदर का खेल देखना है। तो ये क्या हो गई, मौखिक भाषा। आज रेनू के भाई का जन्मदिन है, उसे अपने भाई के लिए उपहार खरीदना है। वो सोच रही है कार ले या भालू। रेनू दुकानदार को अपनी बात समझा रही है और दुकानदार समझने की कोशिश कर रहा है किस तरह से। देखो, मतलब एक संकेत द्वारा, इस वाले दूसरे वाले चित्र में क्या आ रहा है, सांकेतिक भाषा आ रही है। किस तरह से, कि वे उपहार खरीदने आ रही है और दुकानदार को अपनी भाषा मतलब अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रही है, और वो दुकानदार समझने का प्रयत्न कर रहा है। कैसे, बेटा आपको कौन सा खिलौना चाहिए, ये कौन, दुकानदार पूछ रहा है उससे, रेनू से। आप मुझे वह कार दिखाइए, मतलब उसे संकेत करके दिखाया, दुकान के अंदर संकेत करके दिखाया कि ये मुझे, आप मुझे ये कार दिखाइए। फिर बोलती है, नहीं नहीं मुझे वह भालू दे दीजिए। फिर उसने भालू की तरफ इशारा किया, तो ये हो गया सांकेतिक भाषा। मतलब वो अपने बात, दुकानदार को अपनी बात, जो उपहार खरीदना है उसके बारे में समझा रही है। तो ये भाषा के माध्यम से ही वो अपने बात को समझा पा रही है। आपने देखा कि दोनों स्थितियों में, चित्रों में, अलग अलग तरीके से बात हो रही है। खेल दिखाने आए मदारी और पल्लवी के बीच सवाल जवाब हो रहे हैं। रेनू सोच कर वे बोलकर दुकानदार को हाथ के इशारे से अपनी बात समझा रही है। मतलब खेल दिखाने आए मदारी और पल्लवी के बीच क्या हो रहे हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं। तो ये कौन सी भाषा हो गई, मौखिक भाषा। और रेनू ने सोच कर वे बोलकर दुकानदार को हाथ के इशारे से अपनी बात समझा रही है, तो ये कौन सी हो गई, सांकेतिक भाषा, जो इशारों से बता रही है। मतलब किसी ने किसी रूप में वो भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचारों एवं मन के भावों को आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपन भाषा कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक दूसरे को बात समझाना और समझना ही क्या है, भाषा है। भाषा को मैंने बताया आपको तीन रूप होते हैं भाषा के। मौखिक, जो बोलकर व्यक्त करते हैं, जैसे पल्लवी, अभी आपको ऊपर बताया मैंने, मदारी और पल्लवी में जो सवाल जवाब होते हैं वो थी मौखिक भाषा।
दूसरी होती है लिखित भाषा, जो लिखकर फिर उसे अपन पढ़ते हैं तो वो होती है लिखित भाषा। और ये रेनू और दुकानदार के बीच में जो बात हो रही थी ये क्या थी? सांकेतिक भाषा। भाषा के क्या काम होते हैं? सुनना, बोलना, पूछना, सोचना, पढ़ना, लिखना, समझना, वर्णन करना, बताना। मतलब भाषा के काम क्या है? देखो, जो भी अपन सुनते हैं वो क्या है? भाषा है। जो कुछ हम बोलते हैं वो क्या है? भाषा है। जो कुछ हम अब किसी को कुछ पूछना होता है तो किसके माध्यम से पूछेगा? भाषा के माध्यम से ही तो पूछेगा। सोचते हैं अपन, अब अपन कोई विचार आ रहा है, कुछ सोच रहे हैं तो क्या है? भाषा। कुछ चीज़ अपन लिख दी, उसको पढ़ रहे हैं तो वो क्या है? भाषा। लिखना भी क्या है? भाषा। समझना क्या है? भाषा। कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में अपन जानते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं और उसको समझते हैं तो वो सब क्या है? भाषा है। वर्णन करना ये भी एक तरह की भाषा है, और बताना ये भी एक तरह की भाषा है। तो ये थे ये भाषा के काम। तो आज हमने क्या पढ़ा? पहले तो भाषा। भाषा के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के तीन रूप होते हैं, आपके इसमें नहीं है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक जो बोल कर व्यक्त की जाती है, जैसे पल्लवी और मदारी में था। सांकेतिक भाषा होती है जो रेनू और दुकानदार में था। और लिखित भाषा होती है जो लिखकर हम पढ़ते हैं, वो होती है लिखित भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा से द्वारा हम अपने दूसरों तक बात पहुंचाते हैं। भाषा एक तरह का क्या है? बोलना, सुनना, पूछना, सोचना, पढ़ना, लिखना, समझना, वर्णन करना, बताना, ये सब क्या है? भाषा है। धन्यवाद।